सब कुछ जानती थी और उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी साथ में लेकर घूम रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं सब कुछ जानने के बावजूद भी। और अब मैं आगे की बात करूं, जब यह खबर सामने आई तो बीजेपी के लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया। एज यूजुअल दे रिजॉर्टेड टू लाइज, एंड वन ऑफ द बिग लाइज वॉज दैट द ड्राइवर हैड शेयर्ड द डिटेल्स विद कांग्रेस लीडरशिप। एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट लाइज। द ड्राइवर इज नाउ ऑन रिकॉर्ड, द ड्राइवर इज नाउ ऑन कैमरा टू से ही हैज नॉट शेयर्ड एनी एविडेंस, एनी पेन ड्राइव विद एनी कांग्रेस लीडर। He has only shared all of this with BJP leaders. He has shared it with Devaraj Gowda. He has shared it with the others. He has not shared it with the Congress leaders. So, जिस बात पर BJP को कान पकड़कर इस देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, उस बात पर आप झूठ बोल रहे हैं। BJP के तमाम नेता, BJP के तमाम निर्लज सपोर्टर्स एक ट्वीट दिखा के बोल रहे हैं कि आपने इसका समर्थन किया था। हाँ, हमने 5 साल पहले इसका समर्थन किया था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि यह दरिंदा है, यह जानवर है, यह राक्षस है। आपको तो पता था, जिस दिन नरेंद्र मोदी इसकी पीठ थपथपा रहे थे वो जानते थे यह राक्षस है। वो जानते थे इस राक्षस ने कितनी औरतों की जिंदगी तबाह की, वो जानते थे इस राक्षस ने कितनी औरतों का यौन शोषण किया है। दिस इज द हार्वी वेंस्टीन मोमेंट ऑफ इंडिया, नो लेस। ये बलात्कार का, ये रेप का सबसे जघन्य मामला है। और अब मैं वो सवाल पूछना चाहती हूं जो देश की सारी महिलाएं पूछ रही, जो देश की सारी औरतें पूछ रही, जो आधी आबादी पूछ रही है। और वो सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि जब जब औरतों के साथ अपराध होता है, जब जब औरतों के साथ कुछ गलत होता है, तो वहां पर बार बार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ही पाई जाती है।